हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल 10 मिनट बनने वाली आलू की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच राई डाल देंगे, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन सबको चला लेंगे। और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहना है वरना जो प्याज है वह नीचे से जल जाएंगे। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक जो टमाटर हैं वह गल न जाए। आप चाहें तो इस पर ढक्कन भी लगा सकते हैं जिससे जो टमाटर हैं वह जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, इसे एक बार चला लेंगे और इसके बाद इसे मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 4 उबले हुए आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन आलुओं को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप सुबह के नाश्ते में झटपट बना सकते हैं। आलू को मिक्स करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे, इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इन आलूओं को थोड़ी देर और पका सकते हैं जिससे जो ये आलू हैं वह और क्रिस्पी हो जाएंगे। आलू की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह बहुत सिंपल है पर टेस्टी भी उतनी ही लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।